समाजवादी पार्टी द्वारा माह के पहले शनिवार को प्रदेश भर में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने की। बैठक में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार और पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाकर विकास कार्यों की जानकारी दें। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, टूट गए थे, तमाम शिकायतें पिछले चुनाव में आई थी, हमारा नाम टूट गया, हमारा टूट गया, मतदाता सूची में शामिल कराए जाने हेतु समाजवादी प्रसार अभियान चलाए जाने का विधान स्वच्छ कराने हेतु मार्च पर ये मार्च रखा है। तो समाजवादी पार्टी लग करके क्योंकि तैयारी है 2022 के लिए एक आठ आठ को देने ताकि हर ग्रुप पर दो दो मैं समझता हूँ उसके बाद उनके ग्रुपों पर एक एक गाँव में दो दो तीन तीन ग्रुप हैं तो वहाँ तीन तीन ग्रुप पर समाजवादी प्रसार आज माह का प्रथम शनिवार है और प्रथम शनिवार के दिन समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में मासिक बैठक होती है हर जिला इकाइयों की। उसी क्रम में ये मासिक बैठक हमारी है जिसमें पार्टी के समाजवादी प्रसार अभियान जो शुरू हो चुका है और 30 अगस्त सितंबर तक चलेगा, उसको चलाने के लिए बूथ स्तर तक जो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2020 तक मतदाता बनाए जाएंगे और जो संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है मतदाता सूचियों के, तो उस कार्यक्रम को जो चुनाव आयोग चला रहा है उसमें पूरा पार्टिसिपेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, जो मतदाता छूटे हैं उनको मतदाता सूचियों में जोड़वाने के लिए और जो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2020 तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले नौजवान हैं, नवयुवतियाँ हैं, उनके नामों को शामिल कराने के लिए समाजवादी प्रसार अभियान चलेगा जिसमें गांव-गांव हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों को, सरकार के दौरान जो जनहित के काम किए गए हैं उसको भी बताया जाएगा।